ポンゼ。हेलो हेलो बेटे, मैं क्या प्रतीक्षा से बात कर सकता हूँ बेटा? अभी जी बात, मैं प्रतीक्षा बोल रही हूँ। कैसे हो बेटे, कैसे हो जी? आप कौन? मैं बल्होत्रा बोल रहा हूँ बेटे। मैं आपके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ, मैं यही दिल्ली में रहता हूँ। मैंने क्या हुआ, अभी मेट्रो मॉल में हम अपने बेटे के लिए देख रहे थे लड़कियाँ। हाँ जी। तो प्रतीक्षा बेटा, आपका मैंने प्रोफाइल देखा जी, तो वो एक बात थी ना, नजर हटती नहीं है। मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहीं और डालने नजर, कहता नहीं पापा, नाउ आई एम ओके विद दिस गर्ल। तो मेरे को आपसे ना बात करनी थी थोड़ी। हाँ जी बताइए। क्या करते हो बेटा आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हो आप? कमाल है, देखो ऊपर वाला जब ऐसे देता है ना, तो चप्पल फाड़ के देता है। मेरे बेटे का शुरू से ये था कि पापा मेरे को शादी करनी है किसी जर्नलिस्ट से। मैंने कहा यार कमाल है, तेरे बाप ने शादी नहीं करी जर्नलिस्ट से, कह रहा अब पसंद अपनी अपनी है। बेटा मैं आपके पापा से मिलना चाहता हूँ, किस टाइम मिल सकता हूँ? अच्छा, तो मतलब मेरे को मुर्गा बनाओगे आप? मैं पकड़ लिया, मैंने आरजे नावेद बोल रहे हैं ना आप? ओ भाई साहब, प्रतीक्षा मैं नवेद बोल रहा हूँ, और ये तो अप्रैल फूल आप मुझे बना रहे थे। तुम्हारे लोकपत वाले जो है ना, ये कह रहे थे कि रुकिए, आ रही हूँ मैं आपसे मिलने। अच्छा आ रही है, ये स्टूडियो आ रही है। जी जी जी, बस अभी आ रही हूँ, ये स्टूडियो आ रही है। ओके जी, ओके, आ रही है। वेलकम वेलकम। अब बच्चो ये नहीं बन पाई, ये तो भारी पड़ गई। मुझे तो बना नहीं पाए वो मुर्गा, मैंने तो पकड़ लिया उन्हें। अब मैं आपको सीधा ले चल रही हूँ उनके पास, आज हम उन्हीं को पकड़ते हैं। तो मेरा मुर्गा बनाया जा रहा था यहाँ पे। ये तो मुझे कहा था इन्होंने, बनाने के लिए यार। प्लीज इस कमेंट को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सकता है, और इनके चैनल को देखते रहिए, और अपना नंबर छोड़िए कमेंट सेक्शन में, ताकि आपने अगर शेयर ना किया तो आपको मुर्गा तो बना सके हम, कम से कम नंबर होना चाहिए हमारे पास।